नमस्ते सत श्री अकाल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रॉन सिंह फिटनेस। क्या हाल है भाई लोग, मैं हूं रॉन सिंह। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल के ऊपर। और आज मैं लेके आया हूं आप लोगों के सामने एक न्यू टॉपिक, न्यू नॉलेज। यस गाइस, सो हम लोग आज बात करने वाले हैं एक्सरसाइज के ऊपर। सो गाइस, आज हम लोग बात करेंगे बेली फैट की, जो हमारी लोअर एब्स फैट भी जिसे हम बोलते हैं, उसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं एक्सरसाइज के थ्रू। सो आज मैं आप लोगों को वो बताऊंगा, क्योंकि काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होती है, जो उनकी लोअर एब्स की फैट होती है वो रिड्यूस नहीं होती। सो वो लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, भाई हमारी ये फैट रिड्यूस क्यों नहीं होती, हमें कोई सोल्यूशन बताओ, हमें क्या करना चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। क्योंकि मैं अपने हर एक वीडियो में बोलता रहता हूँ कि मेरे सोशल मीडिया जो भी अकाउंट है उसके ऊपर आप लोग जाके मुझे DM कर सकते हैं। कोई भी आपकी प्रॉब्लम है, सप्लीमेंट की नॉलेज चाहिए, किसी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए, एक्सरसाइज की नॉलेज चाहिए, जहाँ आपको डाइट की नॉलेज चाहिए, तो आप लोग मुझे वहाँ पर DM कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं भाई किस चीज़ के बारे में आपको नॉलेज चाहिए। सो ये भी मेरे काफ़ी लोग मुझे, मेरे भाई लोग जो है मुझे मैसेज कर रहे थे, भाई हमारी जो लोअर एब्स की फैट है, बेली फैट है, वो कैसे रिड्यूस कर सके। सो इसीलिए मैंने आज का ये टॉपिक बनाया। आज की ये मैं एपिसोड के अंदर आप लोगों को एक्सरसाइज बताऊंगा कि कौन सी एक्सरसाइज आप घर बैठे एक्सरसाइज कर सकते हैं, आपको कोई जिम इक्विपमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपकी जो होगी बेली फैट उसको रिड्यूस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, और आप लोगों की जो बॉडी है अच्छी शेप में आएगी। सो यस गाइस, सो आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज के बारे में, बेली फैट के बारे में। सो फुल वीडियो देखते रहिए एंड तक, मैं आपको सभी एक्सरसाइज बता दूंगा और उसको ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा कि आपने कितने सेट्स लगाने हैं, कितना टाइमिंग होनी चाहिए उसके बीच में रेस्ट की। सो आप लोग अपने घर में इजीली ये एक्सरसाइज करके अपनी फैट को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है गाइस। ओके भाई लोग, हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज होगी वो होगी जंपिंग स्क्वाड, ठीक है। हमने पहले लगाना क्या है, दोनों हैंड्स को आगे करके स्क्वाट एंड देन हैंड्स को अप करके जंप, फिर स्क्वाट एंड जंप, स्क्वाट एंड जंप, स्क्वाट एंड जंप, ठीक है गाइस। सो इस एक्सरसाइज की हम लोग लगाएंगे गाइस 3 सेट्स होने चाहिए हमारे, और एक ईच सेट में होने चाहिए 12 टू 15 रेपिटेशन। ओके गाइस, सो हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होने वाली है वो भी होगी हमारी जंप्स के ऊपर। हमने क्या करना है, अपने दोनों हाथों को आगे लेके आना है और अपने जो घुटने हैं उठा के इसके साथ टच करने हैं, ठीक है, वन बाय वन। ओके गाइस, ठीक है गाइस। सो इसको हम लोग क्या करेंगे, अपने फोन के ऊपर, स्टॉप वॉच के ऊपर हम लोग टाइम सेट करेंगे 45 सेकंड्स टू 1 मिनट। सो ये एक्सरसाइज काफी इफेक्टिव है हमारे जो लोअर फैट होती है एब्स की, उसके लिए। ओके गाइस, सो नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हम लोग लगाने वाले हैं, इसके बारे में आप सभी लोगों को पता होगा, लेकिन इसके हम लोग लगाएंगे गाइस 3 सेट्स लगाएंगे, और ईच सेट की हम लोग टाइमिंग सेट करेंगे अपने फोन के ऊपर 45 सेकंड्स टू 1 मिनट। ओके गाइस, सो इसको हम लोग लगाएंगे, कोर को ऐसे टाइट करके रखना है हमने, बिल्कुल भी हमने अपनी जो बैक है उसको हिलने नहीं देना। कई लोग क्या करते हैं, ऐसे हिलते रहते हैं, ऐसे करते रहते हैं। सो एक ही स्टांस में जहां पे भी सेट होगी वहां पे सेट करके रखनी है, उसके बाद बिल्कुल भी हिलना नहीं है हम लोगों ने, ठीक है गाइस। हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होने वाली है वो भी सेम, इसमें हम लोग क्या करना है भाई, होल्ड किया, वन हैंड अप, सेकंड हैंड अप, डाउन डाउन, अप अप, डाउन डाउन। इसमें भी गाइस हमने अपनी जो कोर को ऐसे ऊपर नहीं करना, ज्यादा नीचे नहीं करना, बिल्कुल बॉडी के हिसाब से स्टेबल रखना है, और उसके साथ हमने क्या करना है, हैंड्स को अप करना है, अप अप, डाउन डाउन, ठीक है गाइस। सो ये थी हमारी फोर्थ एक्सरसाइज, और इसके हमने लगाने हैं 3 सेट्स होने चाहिए, और टाइमिंग इसकी भी हमारी होनी चाहिए 45 सेकंड्स टू 1 मिनट। ये काफी इफेक्टिव एक्सरसाइज है गाइस, जरूर कीजिए। तो हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसके अंदर हमें एक चेयर की जरूरत पड़ेगी। सो हम एक चेयर लेंगे अपने घर में, हम इजीली चेयर्स अवेलेबल होती हैं, हमें किसी भी जिम इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है। सो जो होम मेड एक्सरसाइज हम घर में लगा सकते हैं। सो हमें एक चेयर की जरूरत है, चेयर के ऊपर हम क्या करेंगे, अपनी दोनों लेग्स को अप करके हैंड्स को हम लोग करेंगे सिर के पीछे एंड अप, ठीक है गाइस। सो इस एक्सरसाइज के भी हम लोग लगाएंगे 3 सेट्स लगाएंगे, और इसके जो हमारे रेपिटेशन होने चाहिए गाइस वो होने चाहिए 20 से कम नहीं होने चाहिए, 20 रेपिटेशन होने चाहिए और 3 सेट्स होने चाहिए। ओके भाई लोग, सो नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है हमारी, उसमें हम क्या करेंगे, दोनों हैंड्स को ऐसे
आप कर लेंगे पुशअप, स्टैंड में आ जाएंगे जैसे हम पुशअप लगाते हैं उस स्टैंड में आके हम वन लेग अप डाउन, वन टू वन टू वन टू, और इसको हम लोग फास्ट भी कर सकते हैं अगर कुछ लोग फास्ट कर सकते हैं तो। इसके भी हम लोग लगाएंगे टाइमिंग सेट्स करके लगाएंगे, थ्री सेट्स लगाएंगे और ईच सेट में टाइमिंग होनी चाहिए 45 सेकंड्स टू 1 मिनट। एंड गाइस हमने क्या करना है, ईच सेट में हमारी जो रेस्ट होनी चाहिए वो 30 सेकंड से अप नहीं होनी चाहिए, 30 सेकंड्स की रेस्ट होनी चाहिए ओनली। ओके गाइस सो लगाते हैं हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज। सो इसमें हम लोग क्या करेंगे, दोनों हैंड्स को अपनी हिप के नीचे रख के और दोनों लेग्स को अप करेंगे। ठीक है गाइस, सो इस एक्सरसाइज के भी हम लोग लगाएंगे गाइस थ्री सेट्स एंड ईच सेट होने चाहिए 20 रेपिटेशन, नो लेस देन 20। ओके भाई लोग, जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज होने वाली है ये भी काफी इफेक्टिव है। इसमें हम क्या करेंगे, दोनों हैंड्स को यहाँ अप करके बॉडी को यहाँ होल्ड करेंगे और दोनों लेग्स को आपस में जोड़ के ठीक है गाइस। सो इस एक्सरसाइज के भी हम लोग लगाएंगे सेम लाइक बिफोर थ्री सेट्स एंड 20 रेपिटेशन। हाँ जी भाई लोग, सो अभी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ आज की हमारे जो लोअर एब्स या बेली फैट को रिड्यूस करने वाली लास्ट एक्सरसाइज। सो हम क्या करेंगे, अपने दोनों हैंड्स को अपने नेक के पीछे रख के लेग्स को वन बाय वन ठीक है गाइस। सो ये थी हमारी आज की लास्ट एक्सरसाइज, थैंक यू सो मच। सो भाई लोग ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज जो थी हमारी लोअर फैट जो होती है एब्स की बेली फैट जिसे बोलते हैं उसको रिड्यूस करने के लिए थी एक्सरसाइज। सो अगर आप लोगों का कोई भी और क्वेश्चन है, सो ये रहे मेरे सारे सोशल मीडिया के अकाउंट्स, आप किसी पे भी जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम है, किसी भी चीज़ की नॉलेज चाहिए, सप्लीमेंट, डाइट, एक्सरसाइज, कोई भी आपकी बॉडी फैट कम करनी है, बढ़ानी है, मसल गेन करना है, लूज करना है, वट एवर इज योर इंक्वायरी, सो आप लोग मुझे डीएम कर सकते हैं, मुझे अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। ठीक है गाइस, सो थैंक यू सो मच आप लोग आज मेरे साथ जुड़े रहे, एंड तक मेरी वीडियो देखते रहे। सो गाइस जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए रोन सिंह फिटनेस, एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून रहिए मेरे साथ। सो मैं नेक्स्ट वीडियो लेके जल्दी आप लोगों के सामने आऊंगा। थैंक यू सो मच गाइस, टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, गुड लक।